ठीक है, आज हम देखेंगे एनिमेशन का कॉन्सेप्ट एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं उसी तरह जिस तरह हमने ट्रांजिशन में डिव क्रिएट किया था, मैं यहाँ पे भी एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं आईडी दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल माय डिव। ठीक है, और अब इंटरनल स्टाइल यूज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आप एक्सटर्नल स्टाइल भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, इंटरनल स्टाइल यूज कर रहा हूँ और हेड के क्लोजिंग टैग से पहले मैंने यहाँ पे दो टैग्स डिफाइन कर दिए स्टाइल के। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले मैं इस आईडी को कॉल करवाता हूँ और इसमें कुछ स्टाइल स्पेसिफाई कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, और बॉर्डर हम स्पेसिफाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको 5px, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल हम ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आता हूँ, इसको स्टाइल हम दे देते हैं रिच। ठीक है, और फिर हाइट और विड्थ स्पेसिफाई कर देता हूँ इसको, और हाइट में फॉर एग्जांपल दे देता हूँ 200px और विड्थ भी मैं इसको दे देता हूँ 200px। ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बैकग्राउंड कलर भी स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे लाइट ग्रीन। ठीक है, अब आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसका नाम मैं रख देता हूँ एनिमेशन। ठीक है, अब आके अपना रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक डिव क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, एनिमेशन के लिए हम क्या करते हैं, अच्छा एक बात याद रखना, ट्रांजिशन और एनिमेशन में एक मेजर डिफरेंस देख लो। जो हमारे पास ट्रांजिशन थी वो होवर के ऊपर अप्लाई होती थी, मतलब जब तक हम होवर नहीं करेंगे तब तक उसकी ट्रांजिशन हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन एनिमेशन जैसे ही आपका पेज लोड होता है एनिमेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये फर्क है एनिमेशन और ट्रांजिशन में। ठीक है, अब मैं आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है एनिमेशन नेम। ठीक है, एनिमेशन को हमने कोई भी नेम देना है, तो मैं इसको नेम दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई एनिमेशन। ठीक है, ये मैंने एनिमेशन को नेम दे दिया। फिर हम एक प्रॉपर्टी एनिमेशन ड्यूरेशन, आपको याद है जिस तरह हमने ट्रांजिशन ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम उसी तरह एनिमेशन ड्यूरेशन, मतलब ये बताएगा कि एनिमेशन हमारी कितनी देर तक चलती रहेगी। ठीक है, तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 4 सेकेंड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज। ठीक है, फिर आते हैं एनिमेशन, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है आइटीरेशन काउंट। देखो एनिमेशन आइटीरेशन काउंट, इसका मतलब होता है कि हमारी एनिमेशन कितनी दफा चलेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर आप इनफिनाइट कर दो तो हमारी एनिमेशन क्या होगी, चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। या फिर अगर आपको खुद नंबर स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे 5 लिख दो कि भाई हमारी एनिमेशन 5 दफा चले और उसके बाद स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको इन्फिनाइट ही रखता हूँ। ठीक है, फिर मैं आता हूँ यहाँ पे एनिमेशन प्ले स्टेट, चलो हम फिलहाल यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन में मैं फिलहाल देता हूँ नॉर्मल। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ पे, देखो एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है एक की फ्रेम्स का। देखो यहाँ पे मैंने एनिमेशन का नेम स्पेसिफाई किया था, मैं इसको कॉपी करता हूँ और अब ये जो माय डिव की है, जो मेरी पूरी बॉडी थी, ठीक है, ये जो पूरी बॉडी है मैं इससे बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ बाहर आता हूँ और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा की फ्रेम्स। ठीक है, की फ्रेम्स हमारे पास ये कीवर्ड है, ये किस लिए यूज होता है, हमारे पास एनिमेशन को कॉल करवाने के लिए। ठीक है, हमारी एनिमेशन का नाम क्या था, माय एनिमेशन। ठीक है, मैं माय एनिमेशन यहाँ पे लिख देता हूँ और इसके बाद मैं ये डबल कोट्स ऑन कर देता हूँ। ठीक है, हमारे पास जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये मैंने ऑन कर लिए। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम फिर उसके बाद इसके भी क्या होंगे, कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पे आके अगर स्पेस दूँ वो हमें खुद देगा बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर पहले क्या स्पेसिफाई किया हमने ऊपर,
लाइट ग्रीन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको लाइट ग्रीन दे देता हूं कि लाइट ग्रीन से स्टार्ट होगा और बॉर्डर रेडियस मैं देता हूं इसको, बॉर्डर रेडियस स्टार्ट होगा 0px से, ठीक है। फिर यहां पे आ जाता हूं, अब दूंगा मैं 2 के भाई फ्रॉम मतलब कहां से चले और 2 का मतलब कि कहां तक मेरे पास वो चलेगी, ठीक है। 2 में भी मैं यहां पे देखो इससे बाहर आता हूं, मैं देख रहे हो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये किसका कर्ली ब्रैकेट था, फ्रॉम का। मैं इससे बाहर आता हूं, अब यहां पे देता हूं 2, ठीक है। इसके भी 2 कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं और यहां पे अब मैं बैकग्राउंड कलर इसको देता हूं, बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल पहले मैंने लाइट ग्रीन दिया था, अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूं यहां पे कोई दूसरा कलर दे देते हैं हम, यहां से देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको येलो कलर दे देता हूं, ठीक है, या हम खुद लिख देते हैं येलो, ठीक है। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस में कहता हूं कि उसका स्टार्ट हुआ था 0 से, लेकिन जब तक हमारी एनिमेशन चलेगी उसका रेडियस हो जाए फॉर एग्जांपल 100px, ठीक है। देखो अब यहां पे मैं सेव करता हूं और अब मैं इसको रन करके देखता हूं, ठीक है, कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। देखो पेज रिफ्रेश करूंगा तो देखो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो गई, देख रहे हो ये डायरेक्ट अब स्टार्ट हो गई, मतलब मैंने इसके ऊपर माउस, देखो मेरा कहां पर है, माउस मेरा यहां पर है, देख रहे हो, मतलब ये होवर के ऊपर अप्लाई नहीं होती, ये खुद ही मेरे पास चलती रहेगी। मैंने आपको याद है आइटरेशन काउंट में क्या दिया था, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब ये कंटिन्यूसली चलती रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ इन्फिनाइट में आऊं और यहाँ इन्फिनाइट अगर मैं हटाऊं और इसको फॉर एग्जांपल मैं 2 दे दूं, ठीक है, तो ये 2 दफा चलेगी फिर रुक जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो ये 1, ठीक है, और अब ये 2, ठीक है, 2 हो गए, अब ये स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, स्टॉप हो गई। मतलब जितने आप आइटरेशन काउंट दोगे उसको ये उतनी दफा चलेगी, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल इसको दोबारा इन्फिनाइट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक चीज आप नोट करो, अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ये जब इसके बॉर्डर रेडियस और कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, वो तो बिल्कुल स्लोली हो रहा है, लेकिन जब ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है तो वो एकदम से जाता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कि जब ये अपना कलर और बॉर्डर रेडियस चेंज करे तब ये भी स्लोली स्लोली हो और वापस जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाए, मतलब जब ये दोबारा इसका बॉर्डर 0 हो जाए और कलर इसका ग्रीन हो जाए तब तक ये क्या हो, फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें टाइम ले, स्लोली स्लोली हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पे, आपको याद होगा ये मैंने अभी दिया था एनिमेशन डायरेक्शन, तो इसकी जगह मैं नॉर्मल की जगह क्या दे दूंगा, अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट यहां पे देता हूं, सेमी कॉलन लगाता हूं, ठीक है। और अब जाके मैं यहां पे अगर रिफ्रेश करूंगा तो देखना ये स्लोली स्लोली चेंज होगा और वापस अपनी पोजीशन पे भी स्लोली स्लोली जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है इस चीज में, ठीक है, अल्टरनेट और नॉर्मल में। अल्टरनेट करोगे तो ये अपना बॉर्डर रेडियस और कलर भी स्लोली स्लोली चेंज करेगा और वापस जब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा तब भी ये स्लोली स्लोली जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी आपने यहाँ पे ड्यूरेशन दी है, ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन, आप चाहो तो इसकी ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो, आप चाहो तो इसकी ड्यूरेशन कम भी कर सकते हो। मैंने अभी 4 सेकेंड दिया हुआ, आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो सेकेंड्स या कम भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं डिले, आपको याद होगा ये प्रॉपर्टी हमने उसमें भी यूज की थी ट्रांजिशन डिले में, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी क्या करती है, अगर मैं इसको दूं 2 सेकेंड तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये 2 सेकेंड के बाद एनिमेशन स्टार्ट होगी, सही है। मतलब आप काउंट करना खुद 1 2 उसके बाद ये एनिमेशन स्टार्ट होगी, मतलब जितने सेकेंड आप दोगे उसके बाद ये स्टार्ट होगी। डिले मतलब रुक के चलना, ठीक है, रुक के चलेगी, ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं यहां पे, एनिमेशन प्ले स्टेट। देखो एनिमेशन प्ले स्टेट में हमारे पास 2 चीजें हैं, एक पॉज्ड और एक रनिंग, ठीक है। मतलब अगर आप इसको पॉज कर दोगे तो ये एनिमेशन हमारी रुक जाएगी, ठीक है। मैं यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं
तो ये देखो ये अभी पॉज्ड स्टेट में है, मतलब ये रुकी हुई है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये किस में होती है, रनिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रनिंग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रनिंग ही होती है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है। अगर पॉज करना हो आपको तब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ठीक है। देखो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है, मतलब ईज, ईज इन, ईज आउट, मतलब हमारे पास एनिमेशन अपियर किस तरह से होगी, ठीक है, उसके लिए हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ईज इन यूज करूं और यहां पे आके इसको अब मैं रिफ्रेश करूं, तो ये देखो 2 सेकंड बाद ये स्टार्ट होगी। तो हम क्या करते हैं, ये डिले भी हटा देते हैं, ठीक है, ताकि ये फौरन से स्टार्ट हो, ठीक है। मैं यहां पे आके इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूं, तो देखो ये फौरन से स्टार्ट हो गई, सही है। और ये अब हमारे पास किस स्टेट में है, ईज इन स्टेट में, ठीक है, मतलब ईज इन स्टाइल में हमारे पास ये अपियर हो रही है। अच्छा देखो यहां पे अभी हमने क्या दिया था, फ्रॉम और टू, ये मतलब स्टार्ट यहां से होगा और कहां तक जाएगा, जो हमने टू के अंदर स्पेसिफाई किया, ठीक है। आप क्या करो, आप ये फ्रॉम और टू हटा दो और आप इसकी जगह क्या कर दो, फॉर एग्जाम्पल 0%, 0% से स्टार्ट हो और टू की जगह आप इसको कर दो 100%, ठीक है, सही है। देखना फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रिजल्ट हमें सेम ही मिलेगा, ठीक है, जो हमने फ्रॉम और टू करके दिया था और जो अब हम परसेंटेजेस में दे रहे हैं। लेकिन परसेंटेज में देने का एक और एडवांटेज है, वो क्या है कि देखो मैं चाह रहा हूं अब 0% पे मेरे पास ये चीज अप्लाई होगी, ठीक है, फिर मैं 25% पे कुछ और देना चाह रहा हूं, ठीक है, तो वो भी दे सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे इसको कॉपी करता हूं और इसी के नीचे पेस्ट करता हूं, ठीक है, और यहां पे अब इसको 0 की जगह 25% कर लेता हूं और अब इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लू कर देता हूं और बॉर्डर रेडियस में इसका 50px कर देता हूं, ठीक है। 25% पे कितना है, 50px, ठीक है। अब मैं इसको एक दफा दोबारा कॉपी करता हूं और यहां पे अब इसको मैं कर देता हूं 50px, मतलब 50%, मतलब जब वो 25 पे आएगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, 50 पे आएगा तो हम इसका कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। और यहां पे इसका बॉर्डर रेडियस अब मैं 100 कर देता हूं, नीचे का हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा इसको यहां पे पेस्ट करूं और अब मैं 25 की जगह इसको 75 कर दूं, ठीक है, और यहां पे इसका बैकग्राउंड कलर मैं रख दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर रेड रख दूं, ठीक है, और यहां पे इसको 150 कर दूं और जो 100% था उसको मैं क्या कर दूं, 200px कर दूं, ठीक है। अब देखो ये हमारे जैसी एनिमेशन स्टार्ट होगी तो ये अपने कितने कलर चेंज करेगा, 5 कलर्स, जो हमने 5 कलर स्पेसिफाई किए, ठीक है। मैं यहां पे आता हूं और अब अपनी एनिमेशन स्टार्ट करता हूं, ठीक है, रिफ्रेश करता हूं, अब देखना। अच्छा ये बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो मैं क्या करता हूं, इसका ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा देता हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका ड्यूरेशन 8 सेकंड दे देता हूं, ठीक है, इसको सेव करता हूं। अब देखना अब आपको कलर 1 by 1 नजर आएंगे कि कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मतलब कलर्स हमारे जब ये एनिमेशन अप्लाई हो रही होगी तब भी सारे कलर्स हमें और बॉर्डर रेडियस नजर आएगा, और जब ये वापस 0 पोजीशन पे आएगा, मतलब जब 0 से 100 आएगा तब भी हमें पता चलेगा कलर चेंज होगा, फिर जब 100 से वापस 0 पे जाएगा, मतलब पहले किस तरह से आएगा, पहले 0 पे आएगा फिर 25 पे आएगा। यहाँ पे देखो पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से 0 से, फिर किस पे आया ये 25% पे, फिर यहां पे आया 50 पे तो इसने कलर क्या कर दिया, ब्लैक, फिर 75% पे आया तो इसने कलर क्या कर दिया, रेड, और बॉर्डर रेडियस 150px कम कर दिया। इस तरह से ये 1 by 1 अप्लाई होगी। अच्छा देखो हम इस पे कुछ चीजें और भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने एक रोटेट की प्रॉपर्टी यूज की थी, तो मैं रोटेट की प्रॉपर्टी यहां पे भी दे सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और यहां पे ये रोटेट, यहां पे अभी मैं इसको करवाता हूं 60 डिग्री,
ठीक है 60 डिग्री रोटेट करवाता हूं, फिर इसी को मैं कॉपी करता हूं और अब 50% पे ले जाता हूं और यहां पे जाके पेस्ट कर देता हूं, और अब 60 की जगह 120 कर देता हूं इसको, ठीक है। और फिर अब 75% पे आता हूं और यहां पे इसको 180 कर देता हूं, ठीक है। और अब लास्ट 100% पे इसको कॉपी करता हूं और अब यहां पे इसको 360 कर देता हूं, ठीक है। मतलब पूरा घूम जाएगा फिर सर्किल, ठीक है। अब यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, अब देखना ये देखो, अच्छा देखो हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया ना, इसलिए वो सर्किल जब घूम रहा है तो हमें पता नहीं चल रहा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कम कम देता हूँ ताकि हमें सर्किल होता हुआ नजर आए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 30, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 60 px, यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 90 और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ 120, ठीक है। अब सेव करता हूँ, अब जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना ये देखो, अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब बॉर्डर्स कम हमारे पास हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें सर्किल होता हुआ पूरा नजर आ रहा, ठीक है। फिर वापस ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, और जो जो कलर्स हमने स्पेसिफाई किए थे पहले 0% से 100% पे आएगा, फिर 100% से 0% पे वापस चला जाएगा। अच्छा देखो अभी हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे चिपका हुआ, ठीक है। मैं अगर चाहूं कि 25% पे जब ये आए तो लेफ्ट साइड से थोड़ा दूर हो जाए, फिर जब 50% पे आए तब लेफ्ट साइड से थोड़ा और दूर हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल जब 25% पे आए तो मैं यहां पे कहता हूं इसे के मार्जिन में देता हूं, मार्जिन लेफ्ट में देता हूं इसको 50 px। मतलब जब ये 25% चलेगा तब क्या होगा, वो मार्जिन से 50 px मतलब लेफ्ट साइड से दूर हो जाएगा। मार्जिन लेफ्ट का क्या काम होता है, लेफ्ट साइड से आपके एलिमेंट को दूर करना, ठीक है। अब मैं यहां पे आता हूं, इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पे ले आता हूं 50% पे, यहां पे कॉपी करता हूं, अब इसको मैं कर देता हूं 100 px, ठीक है। मतलब ये और दूर हो जाएगा जब 50% पे आएगा। फिर इसी तरह मैं यहां पे कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 150 कर देता हूं और यहां पे 100% पे आ जाता हूं और इसको मैं फॉर एग्जाम्पल 200 कर देता हूं। अब सेव करता हूं और यहां पे जाके रिफ्रेश करता हूं, अब रिजल्ट देखना, ये देखो, देख रहे हो दूर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब लेफ्ट साइड से दूर हो रहा है। फिर वापस जब ये 100% से 0% पे आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, मतलब मार्जिन लेफ्ट कम होता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो मैं इसको टॉप से भी दूर कर सकता हूं, मतलब मैं इसको मार्जिन टॉप भी दे सकता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूं, मतलब मैं चाह रहा हूं टॉप से भी ये दूर होता जाए, ये देखो। तो मैं यहां पे आता हूं 25% पे, यहां पे देता हूं अब मार्जिन टॉप पे देता हूं 50 px, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहां पे मैं आता हूं मार्जिन टॉप अब 50% पे दे देता हूं, इसको मैं कर देता हूं 100, ठीक है। और अब इसी तरह 75% पे आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ 150 और अब 100% पे आके यहाँ पे इसको मैं देता हूँ 200, ठीक है। अब यहाँ पे सेव करता हूँ और यहाँ पे जाके अब रिफ्रेश करता हूँ, अब देखना मार्जिन लेफ्ट भी अप्लाई होगा, मतलब वो लेफ्ट से भी दूर होगा और ऊपर से भी दूर होगा। देखो रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अब ये देखो, देख रहे हो लेफ्ट से भी दूर हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये टॉप से डाउन की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये शेयरिंग हुई है ना, इसलिए आपको बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा, जब आप खुद ट्राई करोगे ना तब आपको बिल्कुल ये स्क्रीन पे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये होती है एनिमेशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसको अप्लाई करो आप, फिर आपकी सही प्रैक्टिस हो जाएगी।